नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हम अपने लोन को राइट ऑफ कैसे करवा सकते हैं, लोन को खत्म कैसे करवा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के ये कमेंट थे कि जब भी हम अपने सिविल में चेक करते हैं तो उधर जो सिविल में एंट्री मिलती है कि विलफुल डिफॉल्टर सिविल सूट फाइल्ड एंड लोन रिटर्न ऑफ। और बहुत सारे लोगों के ये कमेंट थे कि कोई ऐसा प्रोसीजर है या कोई टाइम फ्रेम है कि जिसके बाद बैंक या एनबीएफसी कंपनी हमारे लोन को राइट ऑफ कर दे, और अगर लोन को राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ करने के बाद भी क्या बैंक उस लोन को रिकवर कर सकता है। आज की इस वीडियो में एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे कि आपका लोन जो राइट ऑफ है कब जाता है, उसका टाइमिंग कितना है, बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके लोन को राइट ऑफ क्यों करती है, और अगर आपका जो लोन है अगर राइट ऑफ होता है तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप अपने सिविल में चेक करते हैं तो उधर एक चीज आपको क्लियर मेंशन रहती है कि जो लोन में के अंदर की विलफुल डिफॉल्टर। इधर विलफुल डिफॉल्टर का एग्जैक्ट मीनिंग यह है कि अगर आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है और लोन लेने के बावजूद भी आपके पास पैसा न होते हुए भी अगर आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो सिविल में एंट्री आपको शो हो रही है विलफुल डिफॉल्टर। लेकिन इस कोरोना पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रखी है, वो लोन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो आपको पता है कि जॉब लॉस बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन बैंक या एनबीएफसी कंपनी का मानना है कि वो जानबूझकर लोन पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही आप अपना सिविल चेक करेंगे तो उसमें मोस्टली अगर आपने कंटिन्यू लोन ईएमआई की पेमेंट नहीं की है तो उसमें डायरेक्टली मेंशन रहेगा कि विलफुल डिफॉल्टर, यानी कि इस बंदे ने जानबूझकर लोन ईएमआई की किस्त नहीं भरी है। और उसके बाद उसमें मेंशन रहेगा कि सिविल सूट फाइल्ड, यानी एक जो सिविल है वो कोर्ट में फाइल की गई है, सिविल में फाइल की गई है, और लोन रिटर्न ऑफ यानी लोन को माफ कर दिया है। लेकिन ये जो लोन रिटर्न ऑफ है दोस्तों, उसका मतलब वो माफ होना नहीं है कि आपका कभी भी लोन है जो रिकवर नहीं होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि आप अपने लोन ईएमआई की किस्त कंटिन्यू 90 दिनों तक नहीं पेड करते हैं तो एक मिनिमम क्राइटेरिया, एक टाइमिंग है कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके लोन को डायरेक्टली एनपीए में कन्वर्ट कर सकती है, यानी बैड लोन्स में कन्वर्ट कर सकती है। यह जरूरी नहीं है कि वो 90 दिन ही रहे, उसके बाद भी ग्रेस टाइम बहुत सारे बैंक या एनबीएफसी कंपनी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मिनिमम है जो 90 डेज का टाइमिंग रहता है कि आपका लोन एनपीए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर आप कंटिन्यू 90 दिनों तक नहीं भरते हैं तो जैसे ही लोन आपका एनपीए में जाता है तो इधर बैंकों ने टाइम फ्रेम रखा है कि एनपीए में जाने के बाद यदि कंटिन्यू आप तीन क्वार्टर का मतलब है अगर नेक्स्ट के 9 महीने तक अगर आप लोन ईएमआई की किस्त नहीं भरते हैं तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास पावर रहती है, उससे पहले भी पावर रहती है कि आपके लोन को रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। आपने सिविल में भी देखा होगा कि विलफुल डिफॉल्टर सिविल सूट फाइल एंड लोन रिटर्न ऑफ, यानी रिटर्न ऑफ का मतलब है कि दोस्तों कि जो आपका लोन है उसको जीरो कर दिया जाता है, जो बैंक का लेजर है या जो बैंक की बैलेंस शीट है उस लोन को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। लेकिन बैंक या एनबीएफसी कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन आ रखी है कि अगर लोन राइट ऑफ होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी उसकी रिकवरी नहीं करेगी। अगर बैंक या एनबीएफसी कंपनी चाहे तो लोन राइट ऑफ करने के बाद भी उसकी रिकवरी कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजर में जो आपका लोन राइट ऑफ हुआ है वो एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, क्या बैंक की नजर में वो अमाउंट कम है या बैंक की नजर में वो अमाउंट बहुत ज्यादा है। और रिकवरी के लिए अगर बैंक या एनबीएफसी कंपनी उस राइट ऑफ लोन को अगर रिकवरी करती है, जैसे मान के चलिए अगर 15,000 रुपए का लोन है और बैंक वाले सोच रहे हैं कि अगर हम इसको रिकवर करेंगे तो 25-30 हजार रुपए तो हमारा वैसे ही खर्चा आ जाएगा अगर हम कोर्ट में जाते हैं या फिर कोई जो रिकवरी कंपनी है अगर हम उसको हायर करते हैं तो इधर जो कॉस्ट है वो और भी ज्यादा आ जाएगा, तो इस वजह से रिकवरी ऑप्शन नहीं हो पाता। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाले उसको रिकवर करते हैं नहीं करते। अब दोस्तों सबसे बड़ा एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में निकलता है कि भाई जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी है अपने लोन को जो उन्होंने लोन प्रोवाइड किया उसको राइट ऑफ क्यों करते हैं, क्योंकि राइट ऑफ का सीधा सा मतलब है कि जीरो कर दिया, तो कुछ तो बात होगी कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी मजबूर हो जाते हैं कि उनके लोन को राइट ऑफ करना पड़ेगा। एक्चुअली इधर दोस्तों 4 रीजन रहते हैं कि अगर आपने भी लोन पेमेंट नहीं किया है तो मजबूरी में बैंक या एनबीएफसी कंपनी को उस लोन को राइट ऑफ करना पड़ता है। सबसे पहले इधर दोस्तों अगर आपने बेसल एक्ट है वो पढ़ा हो तो नेट पे थोड़ा पढ़ लेना, उसके अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यदि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी किसी भी तरह का लोन, अगर चाहे होम लोन हो या फिर किसी भी तरह का कोलेटरल बेस्ड लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, कोई भी लोन अगर किसी कस्टमर को प्रोवाइड करती है तो उसके बाद जो प्रोविजन कैश है लगभग 5-20% अपने पास रखना पड़ता है एज ए कैश फॉर्म में। यानी कि मान के चलिए कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने
मान के चलिए किसी भी कंपनी को अगर 100 करोड़ रुपए लोन दिया है, जैसे ही 100 करोड़ रुपए लोन दिया है तो जो बेसल एकर्ड है उसके अकॉर्डिंग इधर 5 से लेकर 20% कैश बैंक में रखना जरूरी है ताकि जो कस्टमरों ने पैसा जमा किया है उनका इंटरेस्ट मेंटेन रहे, और अगर उधर से लोन रिकवरी ना हो तो बैंक की जो बैलेंस शीट है या बैंक की हेल्थ के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इधर मान के चलिए कि किसी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए लोन लिया है किसी भी बैंक से, तो बैंक को जरूरी है कि कम से कम 10 से लेकर 15 करोड़ रुपए कैश फॉर्म में अपने पास रखना पड़ेगा। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो बेसल एक्ट है उसका लॉ है, नियम है, इतना अमाउंट रखना ही पड़ेगा। यानी अगर 100 करोड़ रुपए मान के चलिए लोन दिया है तो उसका जो 5 से लेकर 20% यानी 10 करोड़ रुपए पकड़ लीजिए, 10 करोड़ रुपए बैंक को कैश फॉर्म में अपने पास रखना ही पड़ेगा। अब मान के चलिए जिस कंपनी को बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने लोन दिया उस कंपनी ने 100 करोड़ रुपए वापस ही नहीं किए, यानी उधर से कोई भी अमाउंट वापस नहीं आया, तो जो 10 करोड़ रुपए बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास रखे हैं वो भी वो यूज नहीं कर सकता क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। तो जो 10 से लेकर 20 करोड़ रुपए अपने पास रखे हैं उसको भी यूज नहीं कर पाने के कारण बहुत ज्यादा और प्रॉब्लम बैंक के सामने क्रिएट हो जाती है। तो जितने भी बैंक रहते हैं 9 महीने तक, मतलब जो 3 क्वार्टर है एनपीए में कन्वर्ट होने के बाद, अगर पैसा अमाउंट नहीं आ रहा तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं, उसको लेजर से ही हटा देते हैं। यानी जैसे ही 100 करोड़ रुपए किसी कंपनी ने लिए थे उसको जैसे ही लेजर से हटाया तो जो डायरेक्टली उनके पास जो प्रोविजन कैश है वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं नेक्स्ट किसी भी काम के लिए। तो जो 10 करोड़ रुपए उन्होंने कैश फॉर्म में रखे हैं वो किसी और काम में लगा सकते हैं। तो फर्स्ट रीजन रहता है कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर लोन की अमाउंट रिकवर नहीं हो पा रही तो उसको डायरेक्टली रिटर्न ऑफ में डाल देते हैं, अपनी जो लेजर है उससे हटा देते हैं। दोस्तों सेकंड रहता कि अपनी बैलेंस शीट को क्लियर करना, कोई भी बैंक नहीं चाहता कि जो उसकी बैलेंस शीट है रेड रहे, वो हमेशा उसको ग्रीन रखना चाहते हैं। तो इसी वजह से सेकंड रीजन रहता है कि वो जो अगर बैड लोन्स ज्यादा बढ़ गया और कंटिन्यू नहीं पे हो रहा तो बैलेंस शीट से उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आता है कि जैसे ही बैंक या एनबीएफसी कंपनी किसी भी बोरोवर को अगर लोन प्रोवाइड कर देते हैं तो वो लोन बैंक की जो एसेट बन जाता है, यानी बैंक की संपत्ति है जो बोरोवर को प्रोवाइड की है, और अगर उधर से कुछ भी अमाउंट वापस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो बैंक ने जो लोन दिया उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट आएगा तो बैंक की कमाई है, लेकिन यहां तो इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा और साथ में जो मूलधन है वो भी नहीं आ रहा। तो इसी को देखते हुए जो टैक्सेस पे करने पड़ते हैं बैंक को, मान के चलिए कि अगर किसी को लोन दिया है 1 करोड़ रुपए का, तो उस 1 करोड़ की जो एसेट है बैंक की जिसको लोन दिया है तो इधर एक टैक्सेज पे करना पड़ता है आरबीआई को या जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। तो जो जब तक वो एनपीए में है, मान के चलिए वो 100 करोड़ रुपए वापस ही नहीं आ रहे, तो जो टैक्सेज बार बार पे करने पड़ रहे हैं बैंक उसको क्यों बियर करेगा। तो इसलिए जो टैक्सेज है वो टैक्सेज को हटाने के लिए, उनसे बचने के लिए भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन को खत्म कर देती, राइट ऑफ कर देती। तो लास्ट फोर्थ रीजन रहता है कि क्यों बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन को राइट ऑफ करती है। आपको पता होगा कि जब भी बैंकों को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो डायरेक्टली आरबीआई से लोन लेते हैं, और आरबीआई तभी लोन प्रोवाइड करता है एक स्पेशल रेशियो में। अगर बैंक के ऊपर एनपीए ज्यादा होगा, उनके बैड लोन्स ज्यादा होंगे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करता है। इसी वजह से जो बैंक है जो बैड लोन्स होते हैं बहुत सारे उनको डायरेक्टली राइट ऑफ कर देता, तो उनकी बैलेंस शीट जैसे ही क्लियर होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो लोन मिलने की संभावना है और ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों डायरेक्टली ये 4 रीजन है कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन को राइट ऑफ कर देती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि अभी तक सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनियों ने लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए हैं और उनमें से एक भी अमाउंट इनको नहीं मिली है। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई लोन चल रहा है, अगर आप राइट ऑफ करवाना चाहते हैं, मैं तो हमेशा यही बोलूंगा कि राइट ऑफ में मत जाइएगा, क्योंकि कि अगर आपका लोन राइट ऑफ में जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि फ्यूचर में आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा। लोन तो आपको माफ हो जाएगा लेकिन उसके बाद भी जो रिकवरी टीम है या बैंक वाले आपको कॉल कर सकते हैं कि हमारे लोन के अमाउंट को वापस कीजिए, और जो सिबिल है इधर सिबिल आपका भयंकर तरीके से खराब हो जाता है। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्रेडिट कार्ड, यहां तक कि जो पोस्टपेड सिम भी है वो भी नहीं मिलेगी। तो जो अगर आपका लोन राइट ऑफ में, अगर मजबूरी है कि हम बिल्कुल पे नहीं कर सकते तो फिर आप राइट ऑफ के सेक्शन में जा सकते हैं। तो इधर जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि आप 3 महीने के बाद जैसे एनपीए में चला जाता है उसके बाद अगर कंटिन्यू अगर 9 महीने यानी 3 क्वार्टर तक अगर लोन पे नहीं होता है तो वो रिटर्न ऑफ भी कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे बैंकों की अलग अलग गाइडलाइन है, उससे पहले भी राइट ऑफ में डाल देते हैं। तो दोस्तों ये पूरा था रिटर्न ऑफ का प्रोसीजर, लेकिन अगर राइट ऑफ में जाता है वो रिकवरी कर सकते हैं। राइट ऑफ का मतलब है कि उसको जीरो कर देते हैं, बैलेंस शीट से हटा देते हैं। अगर आप भी राइट ऑफ में जाना चाहते हैं तो बेसिक सी फंडा है कि इस तरह से आप राइट ऑफ करवा सकते हैं।
कंटिन्यू 9 महीने प्लस 3 महीने एनपीए, 12 महीने तक का जो टाइम फ्रेम दिया है, लेकिन अलग अलग बैंकों का थोड़ा वैरी कर सकता है अप एंड डाउन। और आरबीआई का मैंडेट तो आ रखा है कि डायरेक्टली अगर कोई लोन 4 साल तक कंटिन्यू पे नहीं कर रहा है तो उसको डायरेक्टली राइट ऑफ में डाल दो, और उसके बाद अगर रिकवरी होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर वो डायरेक्टली उसके पैन कार्ड में अटैच हो जाता है और फ्यूचर में कभी लोन नहीं मिलता। दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर था कि क्यों बैंकें एनबीएफसी कंपनी लोन को राइट ऑफ करती हैं, विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है, लोन को राइट ऑफ कैसे करवाएं। दोस्तों मैंने ये जानकारी बहुत ही सर्च करके तैयार किया। अगर आपको फाइनली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।